देश में आज से छठ पूजा का आगाज हो गया है। इसी कड़ी में आप मंत्री आतिशी ने दिल्ली में आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1000 घाट हैं, जहां छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। घाटों को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार छठ के मौके पर करीब 100 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराने जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि 2015 से दिल्ली सरकार दिल्ली में छठ के लिए भव्य व्यवस्थाएं कराती रही है। हमारे भाई बहन दिल्ली आते हैं, दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से बहुत ही छठ का बहुत ही बड़े स्तर पे और बहुत ही भव्य आयोजन करती है। दिल्ली में तकरीबन 1000 छठ घाट तैयार किए गए हैं, जहाँ पे छठ पूजा का पूरा इंतजाम किया जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे एक तालाब बना हुआ है। इसी तरह से अलग अलग लोकेशंस पे तालाब का इंतजाम होता है, टेंट्स का इंतजाम होता है, सिक्योरिटी का इंतजाम होता है कि दिल्ली में हमारे जो पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं वो खुशी के साथ, सुकून के साथ छठ के त्योहार में हिस्सेदारी। देखिए, सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकारें हैं, वहां पर तो वो छठ का कोई भी आयोजन नहीं करते। मनोज तिवारी जी खुद पूर्वांचल से हैं, क्या जहाँ पे जिस ईस्टर्न यूपी के हिस्से से वो आते हैं, क्या वहाँ पे बीजेपी की सरकार कोई भी छठ का आयोजन करती है? नहीं करती। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचलियों ने माइग्रेट किया है, वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में आज तक सरकार ने छठ का आयोजन नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी एमसीडी में सरकार में थी तो उन्होंने छठ का कोई आयोजन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी की ही सरकार है जो पूर्वांचलियों को दिल्ली का एक अभिन्न हिस्सा मानती है, इसलिए केजरीवाल सरकार ने हमेशा ही छठ का आयोजन किया है। अब एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो एमसीडी भी छठ घाटों का निर्माण कर रही है। बहुत सारे छठ घाट एमसीडी द्वारा भी बनाए जा रहे हैं। मैं तो मनोज तिवारी जी से यही कहूंगी कि वो भी दिल्ली के सांसद हैं, वो भी पूर्वांचलियों के प्रतिनिधि हैं, आओ मिलकर छठ को बेहतर बनाएं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से क्या होगा? दूसरी बात, अगर आरोप लगाने की बात है तो हम एक्चुअली आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पे जाता है, क्योंकि जो कालंदी कुंज के बराज पे फोमिंग होती है वो यूपी इरिगेशन से आ रहे पानी की वजह से। लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने कभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप नहीं लगाया। हम वहाँ पे जो भी पोल्यूशन होता है उसको साफ करने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी इसी स्पिरिट में काम करे। फोमिंग को खत्म करने के लिए ऑलरेडी दिल्ली जल बोर्ड ने छिड़काव शुरू कर दिया है। कई फूड ग्रेड FDA अप्रूव्ड केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, जिनका पहले प्रयोग किया जा चुका है। बड़े स्तर पे डीफोमिंग का काम शुरू हो गया है। ऑलरेडी कई सारी नावों के माध्यम से ये स्प्रेइंग शुरू हो गई है। पिछले साल भी बहुत सक्सेसफुली इस स्प्रेइंग के माध्यम से डीफोमिंग कर गई और इस साल भी छठ आने तक बिल्कुल भी किसी प्रकार की फोम वहां पे नहीं बचेगी। लेकिन मेरा यूपी इरिगेशन वालों से भी आग्रह है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि वो ऐसा पोल्यूटेड पानी ना भेजे अपने कनाल से जिसकी वजह से दिल्ली वालों को परेशान। देखिए, दिल्ली सरकार के तकरीबन 1000 छठ घाट है जहां पर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां छठ के पिछले दिन तक पूरी हो जाएंगी। इसमें तालाब शामिल है, कई जगह पे पक्के तालाब हैं जैसे जिस साइड पे आज हम खड़े हैं, कई जगह पे कच्चे तालाब बनाए जाते हैं, कई साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे तालाब बनके तैयार हैं लेकिन उनको खोद के छठ के समय तालाब के तौर पे रेडी किया जाता है। पानी का अरेंजमेंट होता है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है, लाइट्स का अरेंजमेंट होता है, टेंट का पूरा अरेंजमेंट होता है। और दिल्ली में तकरीबन 100 जगह बहुत अच्छे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी दिल्ली सरकार के माध्यम से, मैथिली भोजपुरी अकेडमी के माध्यम से छठ घाटों के उद्घाटन।